सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग, खैर जी, हम अपनी यूनिवर्सिटी शुरू कर रहे हैं, मिले मेरे फ्रेंड शहरी से। तो गाइस, आज के व्लॉग में सीन कुछ ऐसे न्यूज़ ये है कि ये न्यूज़ रहने थे, ठीक है। न्यूज़ ये है कि सैटरडे वाले दिन हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, और संडे को ऑटो शो है पार्क व्हील्स का। तो खैर, आज हम कुछ प्रेपरेशन की तैयारी, मतलब कि अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करने लगे हैं, थोड़ा बहुत ऑटो शो के लिए रेडी करने लगे हैं। बाकी सीन्स आपको मार्केट पहुंच के दिखाते हैं। कभी पेपरों की भी तैयारी की होती ना, इतने बड़े नंबर आने, इतनी मेहनत पेपरों की होती ना, तो मेरा ए ग्रेड आना सी हर सब्जेक्ट के। बाकी ए ख्याली पुलाव ने। अच्छा जी गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ इधर अपनी गाड़ी का, कॉइल ओवर की चूड़ी इसकी सख्त थी, वो सही करवानी है, क्योंकि हमने इधर से जाके गाड़ी ऊपर ही लेके, ऊपर हाइट के ऊपर लेके जानी है, और उधर जाके डेड करनी है। फिलहाल गाइस का काम हो रहा है, अभी शॉक कॉइल ओवर हमारा खुलता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या मसला है। तो गाइस, हमारा शॉक खुल चुका है, आई मीन कॉइल ओवर खुल चुका है। अभी उसको लेके गए हैं उसकी चूड़ी वगैरह को बफ लगवाने, और ये चेक करें, ये होते हैं जी फायदे, 10-10.5 चीज़ें रिम डालने के, यहाँ से प्रोटीन फाट के दोबारा इसको लगवा के ये पेंट करवानी पड़ेगी। गाड़ी कंपाउंड भी होनी है, अभी बड़े काम है इस व्लॉग में, बड़े काम होने वाले हैं। प्रेपरेशन का व्लॉग है भाई। गाइस, आपके भाई की गाड़ी का कॉइल ओवर फिट हो चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ इसका कैम्बर शैम्बर सेट करवाने। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी का कैम्बर करवाने। ये हमारा टायर उतर चुका है, और लड़का हमारा कैम्बर करने की कोशिश कर रहा है, इसको समझा दिया कि ऐसे ऐसे करो, इसको पता नहीं था, लेकिन मैंने कहा इस तरह कर करना है। अभी होने के बाद आपको भाई खुद फिटमेंट चेक करेगा, खुद बिठा के आपको दिखाएगा। अभी गाड़ी बहुत गंदी है, कंपाउंड वगैरह होनी है, ऑटो शो के लिए कम्प्लीट इंशाल्लाह सेटमेंट करूँगा आज इसको। खैर गाइस, अभी आपका भाई अपने करोला के कैमरे का सामान लेने आया था, और करोला के कैमरे का सामान होता है जस्ट ये, मेरे हाथ चेक करें तो ये जी, अभी जाके फिट करके दिखाते हैं आपको। तो गाइस, सीन कुछ ऐसे हैं कि हम लोगों ने इसके जो चार नट होते हैं पीछे हब के, उसमें से ऊपर वाले दो लूज़ किए हैं, और नीचे वाले दो 1.5 इंची के ला के उसमें नट रखे हैं। फिलहाल हम नट लगा के चेक करें, अगर नट से कैमर ज़्यादा हो गया, अंदर टायर लग रहा हुआ, तो फिर हम इसको वाशने रख के चेक करेंगे। जी गाइस, अभी हम लोग रिम रख के चेक करने लगे कैमर के क्या सीन है, ये चेक करें। गाइस, एक साइड का हमारा कैमर हो गया, दूसरी साइड का भी हो रहा है, तो ये होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये शेर साहब मेरे टायर के ऊपर बैठे हुए थे, एक आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताता है आपका भाई, ये चेक करें, ये जो पत्थर आपकी टायरों में फंस जाते हैं ना, ये आपकी गाड़ी को नुकसान ये देते हैं कि आपकी गाड़ी का टायर हार्ड हो जाता है। तो आपने जब भी टायर अपना उतरवाना है, आपने देखना यार ये पत्थर आया, तो आपने इस तरह की कोई बारीक चीज़ लेनी है, और इस तरह से इसको ऐसे करके ना, क्या कहते हैं इसको, ये देखें ऐसे, ये पत्थर आपने निकालने हैं। हैदरा मेहनत का काम, लेकिन इससे ये है कि आपका टायर ख़राब नहीं होता। गाइस, हमारी गाड़ी का कैम्बर हो चुका है, और ये मैंने गाड़ी दोबारा ऊपर करवाई है कि मैंने कहा भाई नीचे करने की वीडियो बनानी है, भाई नीचे कर दें। अब चेक कीजिएगा ज़रा, आए हाय 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 हाय, ट्रैक चेक करें। तो गाइस, ये हमारा कैम्बर चेक करें, अभी गाड़ी मैंने डेड नहीं की, गाड़ी उतनी हाइट के ऊपर है, और अभी मैं इसका साइलेंसर नीचे से उतरवा रहा हूँ, ठीक है। ये जो ढोलकी हम ये उतरवा देंगे, दूसरा अपना लगाएंगे इंशाल्लाह। तो गाइस, इसके कहने का मकसद ये है कि मैं और मेरी गाड़ी आशिक और मशहूक हैं, और वो कहते हैं ना, जब तक आशिक मशहूक मिलते हैं और दोस्त जलील होते हैं, तो आज मेरा दोस्त जो कि शहरी जलील हो रहा है इधर, 0% इंटरेस्ट, क्योंकि ये क्रिकेटर है, ठीक है, और इसको मैं साथ जलील कर रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी से आया था मेरे साथ, मुझे घर उतार दिया, मैंने कहा नहीं आज तो मेरे साथ ही है। गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं ऑटो टैग पे, इधर एक हमारे भाई की गाड़ी ड्रॉप हुई है, मैं दिखाता हूँ रुक जा, मैं दिखाता हूँ। ये मुझे कह रहा है जी मेरी गाड़ी दिखाओ, ये चेक करें, अभी हमने इसकी फिटमेंट बनाई है, ठीक है। और मानी भाई इस साइड पर अपने जर्बों का मुजाहरा कर रहे हैं, ये चेक करें, ये चेक करें, ये आपके भाई की गाड़ी, और एक और गाड़ी आपको चेक करवाते हैं जो कि मानी भाई की पर्सनल गाड़ी है, ये गाइस, ये मानी भाई की अपनी गाड़ी है, 82 करोला, माय फेवरेट गाड़ी, माशाल्लाह चेक करें, विद 5 के इंजन, मैं आपको इसका इंजन भी दिखाता हूँ, अलार्म चेक करें, अभी आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, माशाल्लाह गाड़ी बहुत ही प्यारी है, नाइस बिल्ड, और फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट है ये, क्योंकि ये ज़्यादा गाड़ी निकलती नहीं है, अंदर से चेक करें, अभी आपको मैं इसका इंजन दिखाता हूँ, ये चेक करें जी, 5 के इंजन, अंदर से फुली गाड़ी पैक है, चेक करें गाड़ी, और ये चेक करें, ये थोड़ा पुराना हो गया इसलिए बुरा लग रहा है, वैसे माशाल्लाह गाड़ी ओरिजिनल हालत में है। द आर्टिस्ट एंड द आर्ट, ये जी भाई ने अपने तजर्बों का मुजाहरा किया,
कैसा लग रहा है सिटी हमारी पे? अभी मैंने मानी भाई को कहा कि यार मेरी गाड़ी के जो शीशे हैं ये लाइटों के, इनके ऊपर बिल्कुल लाइट ब्लैक से पेपर लगा दें, क्योंकि मेरी ये लाइट गंदी है। फिलहाल मैं इसके शीशे वगैरह नहीं चेंज करवा रहा, सफाई होगी तो हम इसी को लगा देंगे। गाइस हमारी लाइटें तैयार हो चुकी हैं, ये चेक करें मानी भाई ने इस बार रेड लाइन का भाई ने ट्राजी और साइड पर यह स्टिकर लगाया है। कैसी लग रही है? अगेन वंस अगेन द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। सो गाइस मानी भाई के पास से हमारा जो टेपिंग का काम था वो फ्रंट का हो गया। अभी हम लोग मुनीर भाई के पास आए हैं, ये मैं लगवा रहा हूँ इसकी बैक साइड पे। मैंने कहा कैम्बर हुआ है तो पीछे से गाड़ी की लुक ज़रा वाइड वाइड लगनी चाहिए, ठीक है। अब ये लगा के आपको दिखाता हूँ कैसे लगते हैं। सो गाइस ये चेक करें, ये लग चुके हैं जो ये ब्लैक कलर के लगे हुए हैं ना बैक स्प्लिटर। अभी मैं आया हूँ और इसका ऑयल वगैरह चेंज करवाने, ठीक है। और माशाल्लाह से बैक कैम्बर चेक करें, इसके बाद इसकी जो ये लाइट्स हैं एम्बियन लाइट्स अंडरग्राउंड लाइट्स ये चेक करें। अभी गाड़ी कंपाउंड पॉलिश करवानी है, ठीक है, इसके पैनल पेंट होने हैं वो करवाने हैं, तो बाकी की जो रूटीन है वो इंशाल्लाह हम सुबह बताएंगे आपको। सो गाइस नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आपका भाई आ चुका है मानी की वर्कशॉप में गाड़ी कंपाउंड वगैरह करवाने के लिए। और इधर एक सबसे मैं बेहतरीन चीज़ आपको दिखाता हूँ जो आपके आपने याद रखनी है। अब ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, इसके ऊपर ये स्क्रैचेस वगैरह हैं, ठीक है, ये देखें ये स्क्रैचेस वगैरह इसके ऊपर, ठीक है। अब इसने मुझे कहा है कि मैं तुझे अपनी गाड़ी की तरह चमक निकाल के दूंगा, तो इसकी गाड़ी से मैं दिखाता हूँ कि क्या उसने एग्जांपल दी है। ये इसकी अपनी गाड़ी है, ठीक है, और ये चेक करें, ठीक है, इस तरह मैंने मुझे इसने शक्ल निकाल के देनी है गाड़ी की। मतलब अभी इन दोनों में ये आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। और इस बंदे ने अगर मुझे ना निकाल भी, ये घर गया हुआ, अगर इसने ना निकाल के दी मुझे ऐसे सही वाइट गाड़ी, तो भाई पैसे को नहीं देने हैं। सही है ना मान, पैसे नहीं देने, फिर नहीं देने। ये उसके शिगिर्द ने भी कह दिया पैसे नहीं देने। फाइनली गाइस हमारा काम स्टार्ट होने लगा, ये देखेंगे उसके ऊपर फायदा ब्यूटी क्रीम लग गई है, ये क्या कहते हैं पानी भी आ गया, ये हमारा ग्राइंडर भी तैयार है और काम स्टार्ट होने लगा। और दिखाते हैं आपको इसके बाद रिजल्ट। सो जी गाइज अभी की न्यूज़ के ऊपर आए, तो आपके बाइक की गाड़ी तो हो रही है कंपाउंड वगैरह हो रही है, अभी मैं जा रहा हूँ, ये एक मेरे बाइक की गाड़ी है E140, इसके ऊपर थोड़ा काम वगैरह करवाना है टेपिंग का, इसका रूफ और इसका जो है बोनट का हमने रैप करवाना है ब्लैक ग्लॉस ब्लैक में। उधर चल के बाकी की रिपोर्ट आपको उधर दिखाते हैं। फिर हम लोग आ चुके हैं टायर के पास, पर टायर बिजी है। आप पढ़े हो, कैसे हो, ठीक ठाक हो? यार गाड़ी का काम करवाना थोड़ा, वो गाड़ी लाइए तेरे लिए करके दे, बोला था तुझे छत और डिक्की मतलब बाउंड करना है इसका। किस टाइम तक हो जाएगा ये? बस बस नहीं, मुझे जल्दी करके दे जल्दी। गाइस गाड़ी हमारी लग चुकी है, ठीक है, और अभी हम इसकी एक्स्ट्रा टेपें वगैरह उतार रहे हैं, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर ये मोनोग्राम लगा हुआ है, जट हम नहीं मिटाएंगे भाई, जट नहीं मिटाएंगे, ये करोला उतारेंगे, ये चौधरी इसका लिखा हुआ ये उतारेंगे, और इस साइड से दिखाता हूँ ये भी उतारेंगे, और ये नीचे वाले ये भी उतार देंगे। और पीछे से गाड़ी, असल में यार ये गांव में चलती है गाड़ी, तो भाई ने अब जरा इसको डिसेंट बनाना है, इसलिए भाई मेरे पास आए हैं, अभी दोस्त हैं मेरे, ठीक है। ये चौधरी ब्रदर्स उतारने का दिल नहीं करता, लेकिन ये उतरवा के इंग्लिश में लिखवाएंगे। देन हम इसकी ये आमिर जट और ये AK-47 और ये मूछ जो है ये भी उतार देंगे, ये जट उतार देंगे यार, क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे किसी वकील वगैरह की गाड़ी है, वो लगे होते हैं ना एडवोकेट एडवोकेट वो उतार देंगे, ठीक है। और बाकी गाड़ी तैयार होने के बाद दिखाएंगे अब आपको। पट दे पट दे। सॉरी जट साहब, सॉरी जट साहब, आपका मैंने उतार दिया। काम की सूरत हाल के ऊपर आए, तो हमारा जो काम है गाड़ी का सर पहुंच चुका है, तो ये चेक करें, बोनट हमारा हाफ हो चुका है, गाड़ी हमारे के साइडों के ऊपर से स्टिकर वगैरह जो एक्स्ट्रा टेपिंग हुई थी, ठीक है, वो उतर चुकी है। इंशाल्लाह एट द एंड हम आपको इसकी गाड़ी इस गाड़ी का आपको रिजल्ट दिखाएंगे बना क्या है। गाइस फाइनल हम ऊपर से इसके उतार रहे हैं, इसकी जो ग्लास पेपर के ऊपर शीट होती है, इसके बाद मैं गाड़ी नीचे लगा के आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। सो गाइस हमारा बोनट हो चुका है, ये हमने ग्रिल की जो ऊपर ये गार्निश है क्रोम में, ये भी ब्लैक कर दिया, ठीक है। इधर ये चौधरी लिखा होता है ये हमने मिटाया, ठीक है। इसकी जगह हम लिखेंगे जट 2.0 और सॉरी जट लाइव, ठीक है। ये तायर कर रहा है, इसके साइडों से ये टेप रह गई थी, ये रिमूव कर रहा है, बाकी इसकी ओवर राइटिंग सारी ओवर टेपिंग जो है सारी हमने रिमूव कर दी है,
फ्रंट है ना, नंबर प्लेट इसकी तो आ दी है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या हमने लगाना है। बाकी माशाल्लाह से गाड़ी की लुक चेक करें, अब एक दफ़ा गाड़ी कंप्लीट होती है फिर नीचे उतार के आपको दिखाते हैं। उसके बाद गाड़ी थोड़ी लो करनी है, प्रोफाइल टायरों की इसकी चेंज करनी है, फिर दिखाते हैं आपको इसके बाद। सो गाइज, हमारी गाड़ी का बोनट रैप हो चुका है। अभी मानी की कॉल आई, उसने कहा तुम्हारी गाड़ी कंपाउंड हो गई है, वो मैं लेने जा रहा हूँ, तो बाकी चीज़ें फिर आपको दिखाते हैं। साथ साथ मेरी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा बहुत उसमें काम रहते हैं वो देखता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ क्या करने वाला रह गया। मानी के पास हम लोग आ चुके हैं और माशाल्लाह से यार ये मेरी नज़र पड़ी है गाड़ी के ऊपर, और अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, गाड़ी बहुत ही शाइन कर रही है, लग ही नहीं रहा कि ये ऑफ वाइट, ऐसे लग रहा है सुपर वाइट है माशाल्लाह। मैंने कोई ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं, पहले इसके ऊपर से कपड़ा उठाओ, देखेंगे मैच करते हैं और देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, थैंक यू मानी भाई, ज़रा साइड पे हो ना। अच्छा तो गाइज, अभी की न्यूज़ के ऊपर आए तो मेरी गाड़ी कंपाउंड हो चुकी है, मैंने बाहर खड़ी की है और मैं अभी आया हूँ ये दूसरी जो बाइक की गाड़ी थी उसको लेके, इसको थोड़ा लो करवाना है। लो गाड़ी अभी भी है पर हमने इसको 50 की प्रोफाइल लगानी है, अभी इसके ऊपर 55 की प्रोफाइल लगी हुई है, अभी 50 की प्रोफाइल हमने इसके बाद अभी लो करने के बाद लगवानी है, ठीक है। गाड़ी हमने इसकी टक इन करनी है पीछे से और आगे से गाड़ी थोड़ी सी ऊपर रखेंगे ताकि ज़्यादा नीचे वो गिन आए, ठीक है। लेकिन ट्राई करूँगा कि यार सेम ही बन जाए, बट आगे की न्यूज़ आपको दिखाते हैं। साथ साथ शॉपों वाली शॉप पे आ चुके हैं, अभी स्प्रिंग काट के इसको लो करेंगे। तो गाइज, अभी की सूरत हाल ऐसी है, हमारी गाड़ी पीछे से ड्रॉप हो चुकी है, आगे से हमने अभी तक नहीं की क्योंकि वो शॉप बंद कर रहा था। तो हम लोग इसको ना अभी डाल रहे हैं 50 की प्रोफाइल, क्योंकि ये 55 की प्रोफाइल की टायर लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो टायर की प्रोफाइल चेंज करने के बाद हो सकता है टायर ना लगे, अगर लगा तो हम पीछे इसको कैम्बर कर देंगे। फ्रंट का अभी तक उतना ही गैप है, गाड़ी पहले भी ड्रॉप थी, बट एट दी एंड यही है कि अब सैटरडे को इसके काम होंगे, क्योंकि देखें शाम हो गई है, वर्कशॉप सारी मार्केट बंद है, बाकी काम। अच्छा जी गाइस, हमारी गाड़ी के जो रिम है इस गाड़ी के, हमने सॉरी टायर हैं जो वो चेंज करवा दिए हैं, वो टायर पुराने टायर मेरी गाड़ी में रख रहे हैं, और इधर आपके भाई ने सुबह एक और करोला E140 तैयार करने, उसका सामान है ये किट है, फ्रंट ये पैनल है, ये आपको भाई सुबह तैयार करेगा इंशाल्लाह ताला, बाकी की रिपोर्ट इंशाल्लाह सुबह दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग आ चुके हैं मार्केट में और मार्केट सारी बंद है, इधर एक हमें दुकान मिली है, बड़ा तरला किया इनका, फिर जाके भाई माने वो कहते हैं ये मैकेनिक है, कहते हैं शाको वाले के पास जाएं, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार मैं खुद कर लेता हूँ, अगर आप नहीं करके दोगे तो ठीक है। तो अभी बड़ी मुश्किल के साथ भाई को हिम्मत दिलाई है कि मैं साथ खोलता हूँ, तो भाई ने फिर जैक वगैरह लगाया, बाकी सूरत हाल साथ साथ दिखाते हैं। चलिए गाइस, स्प्रिंग हमने लगा दी है, जेनुइन स्प्रिंग ये हैं, और अभी गाड़ी ड्रॉप हो रही है उस साइड से, स्प्रिंग बिठा के नीचे कर रहे हैं इसको क्योंकि लोअर इंच डाले हैं हमने। आज इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, फाइनल लुक आपके सामने, गाड़ी ड्रॉप हो चुकी है, पीछे सब कैम्बर करने लगे हैं इसको, और माशाल्लाह गाड़ी चेक करें आप। तो गाइस, हमने इसके पिछले स्प्रिंग चेंज किए हैं क्योंकि टायर लग रहा था, दोबारा हमने लोअर रिंग्स और डाले हैं, अब गाड़ी डाउन करने लगे हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं क्या रिजल्ट आता, टायर लग रहा है कि नहीं लग रहा, अगर फिर भी टायर लग रहा हुआ फिर हम इसको हल्का सा कैम्बर करेंगे। हमारी ये गाड़ी रेडी हो चुकी है, प्रॉपर हमारी गाड़ी की फिटमेंट बनी है अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से गाड़ी चेक करें, ये आपके भाई की गाड़ी, ये स्टॉक है, और एक वो कल्टस कह गया खैबर, ये भी हमारे साथ जा रही है। फिलहाल गाइस सीन कुछ ऐसे हैं कि हम लोग जा रहे हैं मीटअप है हमारे ग्रुप का, जो कि आपका भाई जिसके एडमिन है, ठीक है, बाकी सीन आपको उधर चल के दिखाते हैं। गाड़ियाँ रेडी हो गई हैं, ऑटो शो सुबह इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे, वो अलग से व्लॉग शूट करूँगा। तो खैर, आज का व्लॉग जो है बस आपको गाड़ियाँ दिखा के तो एंड किया जाएगा। सो जी गाइस, हम लोग आ चुके हैं इधर मियाँ जी रेस्टोरेंट पर, सारी हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, काफ़ी क्राउड इकट्ठा हो गया था। तो खैर गाइस, प्रेपरेशन का व्लॉग यहीं तक होगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हम सारा आपको ऑटो शो दिखाएंगे जो इस्लामाबाद में हो रहा है बाग व्हील्स का, तो मिलते हैं उधर फिर इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।